और ये तो मेरा चैलेंज है, अगर जो दम भरते हैं कि शहर के लीडर हम, शहर हमको लीडर माने, जब मानेंगे हम कि तुम वन मैन शो, तमाम लोग अपने अपने उम्मीदवार उतारे पूरे शहर के अंदर और वन बाय वन इलेक्शन लड़े, दूध का दूध और पानी का पानी शहर के अंदर हो। मैं फिर बोल रहा हूं कि पंटर है, पंटर रहेंगे, ये दम इनके अंदर है नहीं। जब तक ये नारी पकड़े रहेंगे उनको समझता है, जब तक इनकी नदियां पार होने वाली है। शहर के आवाम ने जिस सबसे को मौका दिया असेंबली के अंदर 2019 में, शहर अपनी आंखों से देख रहा है कि शहर में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, नुमाइंदा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, कि शहर अपनी आंखों से देख रहा है। मुझको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो गठबंधन महागठबंधन की जो लड़ाई चल रही है, ये असल में बहुत बड़ा पाखंड है। हैदराबाद के अंदर बड़ा पाखंडी बैठा है और यहां पर छोटे पाखंडी बैठे हैं, और ये बैठकर पाखंड फैलाने का काम ये शहर के अंदर कर रहे हैं। क्या तू लेकर आवाम से वोट मांगने जाओगी? सवाल ये है, बड़ा पाखंडी जब इलेक्शन के अंदर आया और कहा कि 2 महीने के अंदर मैं आपके पास आऊंगा कि मेरा नुमाइंदा काम करता है या नहीं, ये देखने के लिए आऊंगा। 2.5 साल गुजर गए, मालेगांव शहर के अंदर कदम भी उस शख्स ने नहीं रखा। वो भी सबसे सोचता है कि मैं क्या किस मुंह से मैं वोट मांगने के लिए जाऊं। और यहां के लोग जो शहर के आवाम ने भरोसा किया, वोट दिया, एमएलए बनाया, और ये महागठबंधन के लोग किस मुंह से वोट मांगने के लिए शहर के आवाम के सामने जाएंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे? इसके लिए पाखंड काम शुरू है शहर के अंदर किया गया, यानी आवाम को, आवाम के सहनों को भटका देगा। आवाम उस बारे सोचे नहीं, आवाम हमसे सवाल नहीं करे, आवाम सिर्फ हमारी खबरें पढ़ते रहे और देखते रहे कि हमारा गठबंधन बन रहा या टूट रहा, बन रहा या टूट रहा। असल में ये महागठबंधन हर हाल में इनका रहेगा। ये छुपा हुआ गठबंधन पहले भी था, आज भी है, और ये तीनों पार्टी के लोग जो छोटे छोटे हैं दल, ये मिलकर इनके वर्करों को हौसला देने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाकर गुस्सा पैदा करने का काम कर रहे हैं, और आवाम को गुमराह करके फिर एक मरतबा बड़ी स्क्रीन लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे कि हमारा गठबंधन टूटा नहीं, और हाथ में हाथ डालकर फोटो खिंचाएंगे कि हमारा महागठबंधन बन गया, और फिर गुमराह किया जाएगा। तो हमको और हमारी भी ये सोच है, हमने कभी भी महागठबंधन बने या ना बने उसके भरोसे कभी राजनीति नहीं की, कभी ना सियासत की, और ना हम करेंगे। तुम एक होकर भी आओगे तो हमारी तैयारी है, तुम अलग होकर भी आओगे तो हमारी तैयारी है, ये बात याद रखना चाहिए, हमारी मुकम्मल तैयारी है। और मैं तो ये जो आज के एमएलए को जो दम दे रहे हैं ना छोटी छोटी पार्टियों के लोग, मैं आज एकदम साफ अल्फाज के अंदर कहना चाहता हूं, असल में, और देखो ख्वाहिश भी बहुत है, ये छोटे छोटे जो लोग है इनकी ख्वाहिश बहुत है कि हमको शहर के आवाम लीडर बोले, शहर का लीडर किसको बोलते हैं मुझे समझा, लीडर किसको बोलते हैं? लीडर उसको बोलते हैं जो शहरी सियासत के अंदर अपने दम और खम के ऊपर इलेक्शन लड़े और शहर की नुमाइंदगी करे और शहर की आवाम उसको पसंद करे, उसको लीडर बोला जाता है। मैं मानता हूं कि इस्माइल साहब लीडर है, लेकिन ये पंटर लोग, ये जो दोनों पंटरगिरी करते हैं, ये चंद सीटों के लिए पंटरगिरी करने वाले लोग, कोई 5-7 सीट सोचता कि मेरी चुन के आ जाए, ये पंटर है। ये जनता दल के लोग सोचते हैं कि हमारी 10-12 आ जाए, ये भी पंटरगिरी है। पहले इन्होंने तो शहर की नुमाइंदगी, शहर की लीडरशिप का
जो दावा पेश करते हैं वो वापस ले लेना चाहिए और ये लकब देना चाहिए कि हम पंडितगिरी करने के लिए पैदा हुए। मैं तो मैं चैलेंज से बोलता हूं, अगर तुम्हारे अंदर दम है अगर तुम ये साबित करते हो कि हम शहरी लीडर है तो वन मैन शो आ जाओ। जब हम मानेंगे कि तुम शहरी लीडर हो, नहीं तो हम ये मानेंगे कि तुम पंटर हो और पंटर को किसी ना किसी बॉस की जरूरत होती है, किसी ना किसी बॉस की जरूरत होती है और इसके लिए पंटरगिरी मुफ्ती इस्माइल साहब की कर रहे हैं, ये लीडरशिप नहीं कर रहे हैं। और यह तो मेरा चैलेंज है, अगर जो दम भरते हैं कि शहर के लीडर हम, शहर हमको लीडर माने, जब मानेंगे हम कि तुम वन मैन शो, तमाम ही लोग अपने अपने उम्मीदवार उतारे पूरे शहर के अंदर और वन बाय वन इलेक्शन लड़े, दूध का दूध और पानी का पानी शहर के अंदर हो जाए। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि पंटर है, पंटर रहेंगे, ये दम इनके अंदर है नहीं। जब तक ये नारी पकड़ा रहेगी उनको समझता है, जब तक इनकी नदियां पार होने वाली नहीं है। ये नारी पकड़ के ही, अलग अलग पैजामे के दो भाग पकड़ के ही ये लोग आगे बढ़ने वाले हैं, मुझे समझता है। बहरहाल ये एक होकर आए, ये महागठबंधन बनाए, चाहे कांग्रेस को ले ले, जनता दल, MIM, तीसरा मार्ग और छोटी छोटी पार्टियां जो भी है, पूरी ताकत के साथ भी हमारे सामने आएंगे तो इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ बोलता हूं, अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि ये शहर के अंदर एक नंबर पार्टी हमारी अपनी थी और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर भी एक नंबर पार्टी हमारी अपनी होगी। ये शहर की आवाम के ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास है और एक बात की वजह से विश्वास है कि हम तामीरी काम करते और शहर की आवाम तामीरी काम को पसंद करती है और तामीरी काम के नाम के ऊपर आप वोट दोगे, मुझे उम्मीद है। और मैं आपसे यही अपील करता हूं इस मौके के ऊपर कि अगर इस शहर को बढ़ाना है, इस शहर को आगे ले जाना है, इस शहर की तामीर और तरक्की चाहते हो, मैं इतना थम ठोक कर बोलता हूं कि मेरी पार्टी की सरकार नहीं होगी उसके बाद भी फंड लाऊंगा। मुझे बता दो कि शहर के अंदर ऐसा कौन सा लीडर है कि वो बोलता है, ये तो रोता है, जिसको बोलना चाहिए वो रोता है। महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो भी वो सक्षम रोता है, अभी की सरकार आई तो भी रोता है, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा, मैं कहां से फंड लाऊं? समझेगा तो फंड आएगा ना, कुछ समझेगा तो फंड आएगा। फंड शहर के लिए मांगा जाता है, अपने लिए नहीं। तुमने अपने लिए तो मांग लिया तो शहर के अस्तित्व क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। अगर इस शहर को आपको आगे ले जाना है, शहर की तामीर और तरक्की चाहते हो, शहर का विकास और डेवलपमेंट चाहते हो, शहर के अंदर एक दबदबा चाहते हो, शहर के अंदर हमारा पुराना दबाव, पुराना दबदबा आ जाए प्रशासन के ऊपर, अगर वो चाहते हो तो एक मौका आने वाले दिनों के अंदर भरपूर तादाद के अंदर, फुल मेजोरिटी के अंदर अगर आपने हमको सत्ता दी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे शहर का नक्शा हम लोग बदल देंगे।